40% के जो भी नंबर हों उनको हम नौकरी का इमीडिएटली ऑफर देंगे। हाँ, और हर ये नहीं कि जिसके 40 हों उसको मिल जाएगी, उस तहसील पे डिपेंड करते, मेरिट चल रहा है ना हमारी जो है उस तहसील के अंदर। ये नहीं कि हर, मैं ये क्लियर फिर से करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर 40 नंबर वाले को नौकरी मिलेगी, उस तहसील में 40 तक आने, इसलिए कि हमारी तहसील बाउंड्री बनाई हुई ना हमने, वो नौकरी मिल जाएगी उसको। 40 से कम वाले जो बनते हैं तकरीबन 1500, उनको हम शॉर्टलिस्ट करके इमीडिएटली उनकी ट्रेनिंग करेंगे, महीने की ट्रेनिंग होगी, महीने बाद इम्तिहान लेंगे, अगर वो 40 से ज़्यादा नंबर लेंगे तो उनको एम्प्लॉय करेंगे, नहीं तो फिर उनको नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आएगा। तो ये कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, और मैं दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ, अप्रूवल ये है इन ऑर्डर टू फिल ऑल वेकेंसीज, हम हर तालके में 40% के जो भी नंबर हों उनको हम नौकरी का इमीडिएटली ऑफर देंगे। हाँ, और हर ये नहीं कि जिसके 40 हों उसको मिल जाएगी, उस तहसील पे डिपेंड करते, मेरिट चल रहा है ना हमारी जो है उस तहसील के अंदर। ये नहीं कि हर, मैं ये क्लियर फिर से करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर 40 नंबर वाले को नौकरी मिलेगी, उस तहसील में 40 तक आने, इसलिए कि हमारी तहसील बाउंड्री बनाई हुई ना हमने, वो नौकरी मिल जाएगी उसको। 40 से कम वाले जो बनते हैं तकरीबन 1500, उनको हम शॉर्टलिस्ट करके इमीडिएटली उनकी ट्रेनिंग करेंगे, महीने की ट्रेनिंग होगी, महीने बाद इम्तिहान लेंगे, अगर वो 40 से ज़्यादा नंबर लेंगे तो उनको एम्प्लॉय करेंगे, नहीं तो फिर उनको खुदाफिज़। फिर हो सकता है कुछ रह जाए वैकेंसीज, लेकिन उनको फिर हम उस वक्त देखेंगे। मुझे उम्मीद पूरी है कि अगर एक महीना कोई बच्चा हम ट्रेन करते हैं तो वो नंबर ले आएगा। 40 से ऊपर वालों की सेकेंड फेज में ट्रेनिंग होगी, ताकि हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पूरे सूबे में ला सकें। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिर्फ मेरिट से नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आएगा। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इमीडिएटली, और इसके बाद मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह ताला हम जल्द 11 लाख के करीब नए बच्चे स्कूलों में ले आएंगे विद दिस इंटरवेंशन, और यही टारगेट हम देखेंगे अपने कि हमने अचीव किया है कि नहीं किया है, कि 11 लाख बच्चे हम स्कूलों में ले आए।